जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्ण कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरी फैमिली के जितने मेंबर्स देख रहे हैं, आज मैं जो आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आया हूं, धन संबंधी उपाय है। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी पर्स, आपका जेब कभी भी रुपयों से खाली नहीं रहेगा, बिल्कुल हमेशा आपकी जेब में रुपए बने रहेंगे। बहुत से लोगों को तो मैंने ऐसा ऐसा कहते सुना कि भैया पर्स तो है पर पर्स में कुछ नहीं है, कहते महीनों बीत जाते हैं जेब में एक रुपया नहीं होता। अधिकतर आपको लोगों में मुझे सुनने को मिल जाएगा, अरे पर्स तो मेरा खाली है, पर्स में कुछ है ही नहीं, अरे मैं तो जेब से भिखारी हो गया हूँ, फटी जेब है मेरी। बहुत से लोग आपको ऐसे कहते मिल जाएंगे, पर चिंता मत करिए, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यदि आपने कर लिया तो निश्चित ही आपके पर्स में आप हमेशा ही कहेंगे अरे मेरा पर्स तो कभी धन से खाली रहता ही नहीं, मेरी जेब तो धन से कभी खाली रहती ही नहीं। निश्चित ही धन से आपकी जेब भरी रहेगी, धन से आपका पर्स भरा रहेगा। बिल्कुल छोटा सा उपाय है, बहुत ही छोटा। मैं जितने भी उपाय लाता हूँ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, सब छोटे छोटे उपाय लाता हूँ। और मैं आपसे बार बार एक चीज कहता हूँ, कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी प्रकार की समस्या हो, मुझे तुरंत कॉल करके बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं आपकी समस्या दूर कैसे कर पाऊंगा। मुझे अपनी समस्या अवश्य बताइए कि आपको इस प्रकार का दुख है, कर्जा है, धन नहीं आ रहा है, शादी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, अरे कोई भी प्रॉब्लम हो। भैया मैंने बार बार बोला आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं, आधी रात के लिए मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अपनी समस्या से बताइए। इसलिए बिल्कुल अपने भी अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है आपको। अकेले अकेले मत रोते रहिए घर में, अकेले अकेले दुखी मत होइए, आपका दुख मेरा दुख है। बिल्कुल मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप एक बार समस्या मुझे बताइए, मैं निश्चित आपको समाधान दूंगा। और आज का मुझे प्रयोग बताने जा रहा हूँ धन संबंधी, चकाचक, महिला हो या पुरुष हो सबका पर्स बढ़ जाएगा, चकाचक, लाल लाल नोटों से, गुलाबी गुलाबी, दो दो हजार के नोटों से बढ़ जाएगा, 500 के नोटों से नहीं, 2000 के नोटों से, चिंता मत करिए। बिल्कुल आपको देखिए, और मैं एक बार 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 बोलता हूँ कि धन संबंधी जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो अपनी कुंडली इसलिए एक बार दिखा लें कि आपकी कुंडली में धन के भाव की स्थिति क्या है, धनेश की स्थिति क्या है, कि धन भाव का स्वामी नीच का तो नहीं हो गया, कहीं धन भाव का स्वामी 6-8-12 में तो जाकर नहीं बैठ गया, धन भाव का स्वामी अस्त तो नहीं हो गया, धन भाव के शत्रु ग्रह तो नहीं विराजमान हो गए, धन भाव के स्वामी की स्थिति गड़बड़ है तो जीवन में आपके धन कभी आता नहीं, आता भी है तो टिकता नहीं है। बहुत सारी स्थितियां पैदा होती है, बहुत से लोगों के जीवन में कभी धन आते ही नहीं है, बेचारे दरिद्रता में ही जीते हैं, दरिद्रता में ही मर जाते हैं, क्यों, उन्होंने कभी अपनी कुंडली ही नहीं दिखाई, कुंडली दिखाते तो धन भाव के स्वामी का उपाय करते। इसलिए मैं सबसे बार बोलता हूँ कि अपनी कुंडली दिखाइए, कहीं आपकी कुंडली में तो धन के स्वामी गड़बड़ नहीं है। कुंडली दिखा लेंगे तो आपको मैं उपाय बता दूंगा, धन के स्वामी की आप पूजा कर लेंगे, धन का स्वामी अच्छा हो जाएगा, फिर आप उपाय करिए, देखिए इतना धन मिलेगा आपको जीवन में, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपनी कुंडली अवश्य दिखाई, कुंडली दिखाने के लिए आपको मुझे अपनी कुंडली नहीं भेजनी है, आपको अपनी डिटेल भेजनी है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। उसका छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, वो सेवा राशि देकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके बाद मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सारे उपाय बताऊंगा, क्यों तकलीफ पूरी वो सब कुछ बताऊंगा। वो यदि आपने कर लिए तो बस चकाचक है ना, फिर कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 75% ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उन सभी फैमिली मेंबर्स से मैं कहना चाहूंगा, मैं भी आपका हूँ, चैनल भी आपका है, फिर क्यों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करिए। अब देखिए आपको करना क्या, आपको अपने पर्स में चांदी का एक चौकोर सिक्का रखना है। देखिए चांदी का चौकोर सिक्का रखने का फायदा क्या है, एक तो राहु का दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि जब राहु का दोष हमारे ऊपर हावी रहता है तो हमारे पास जीवन पैसा नहीं आती, दरिद्रता आने लगती है। तो चांदी का चौकोर और चांदी का सिक्का ही लक्ष्मी जी का स्वरूप है अपने आप में, तो दो तीन फायदे, एक तो चांदी का चौकोर सिक्का आप अपने पर्स में, लेडीज हो या पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं, चांदी का चौकोर सिक्का अपने पर्स में रखेंगे तो राहु का दोष खत्म हो जाएगा, चांदी का सिक्का रखने से लक्ष्मी जी की कृपा होगी, सदैव आपके पर्स में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, कभी भी आपका पर्स लक्ष्मी जी से खाली नहीं होगा। इसलिए चांदी का चौकोर सिक्का किसी भी दिन आप रख लीजिए, जब भी सिक्का रखे तो थोड़ी धूप दिखा देना, धूप दीप दिखा करके और प्रार्थना करके रख लेना कि लक्ष्मी माँ कृपा करें, ये राहु देवता अपने सारे जो भी आप मुझे कष्ट दे रहे हैं उस कष्ट को दूर करें, ऐसा करके उस सिक्का अपने पर्स में रख लीजिए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों बाद आपका राहु का दोष जो कुंडली में होगा समाप्त हो जाएगा और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाएगी और आपके जीवन से दरिद्रता खत्म हो जाएगी और धन का आगमन होने लग जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस उपाय को अवश्य करिए, बिल्कुल बहुत ही सुंदर उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, और मैंने बार बार बोला अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए, यदि आप अपना भला चाहते हो और अपनी फैमिली का भला चाहते हो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि परेशान नहीं होना है, बार बार मैंने बोला है, रोना नहीं है, पतझड़ के बाद दिन आते हैं बाहर के, और जीना के जीवन से
जीवन से हार के नहीं जीना। बहुत से लोग मुझसे कहते महाराज जी मेरा मन कर रहा है मैं जाके मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। सुसाइड करना कोई अच्छा काम थोड़ी है। आप लोग सोचते हैं सुसाइड करके हम जीत गए, जंग जीत गए, हमने झंझट दूर कर दिया। अरे आपने मृत्यु लोक का झंझट दूर किया है, मरने के बाद कितने झंझट होते हैं आप कभी गरुड़ पुराण उठा के पढ़ लेना। जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ता है, तो आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए सुसाइड करने का ख्याल कभी भी मन में मत लाइए। आपको दुख तकलीफ परेशानी मुझे बताइए, मेरी जिम्मेदारी आपके दुखों को दूर करना। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।